Hey, y'all, come look at this. Passes over the shallow waters of the Indian Ocean. It sends back images of a chain of largely submerged objects running between Sri Lanka. They're Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old. But adults suggest the structure in the satellite image isn't natural, but built by humans. At this point in history, building such a long bridge would have been a superhuman achievement. I think that it's quite possible that at some point, extraterrestrials gave technology to our ancestors. Is part of the कला और वास्तुशिल्प का ये विश्व प्रसिद्ध उदाहरण जीता जागता प्रतीक है एक दिव्य पौराणिक शतरानी की गाथा का। At the center of each floor, on exactly through each of the windows, in roughly 5 minute intervals. दूसरे साम्राज्य की राजधानी रहा, तीसरे राजधानी के बाहर बसे मजबूती से खड़ा काशी देखकर दिग्गज भी हैरान रह जाते हैं। पत्थर की 12 काशीदार पत्थर को इंटरलॉक किया गया है। पता नहीं इसे बनाने वालों ने इस इमारत की कल्पना कैसे की होगी और इसे कैसे बनाया होगा, लेकिन मंदिर के अंदर की कारीगरी तो बस देखते ही बनती है। अंदर कम रोशनी में खड़ी है संहारक शिव की शानदार मूर्तियां। का निर्माण 1250 ईस्वी में कंग वंश के राजा नरसिंह इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर ही गिरती है के आकार की है। इस रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र है क्योंकि ये पहिए घड़ी की तरह समय बताने का काम करते हैं, इसलिए इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है। यहाँ आने के बाद ये कथन एकदम सही लगता है। इतिहास और जबरदस्त नक्काशी के शौकीन पर्यटकों के अलावा यहाँ उनके लिए भी बहुत कुछ है जो यात्रा में कुछ खास और रोचक की तलाश। हौं 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 कारनादं प्रकटित गहनं खच्चितै भूमि कंपम् पम 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 बाललीलं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालं धीर धीर न भित्तरगड संस
सम संसिद्धि योगम सकल गुणमखम देवदेवम प्रसन्नम पम 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 पद्मनाभम हरिहरमयनम चंद्र सूर्याग्निनेत्रम ऐं 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 ऐश्वर्यनाथम सतत भयहरम पूर्वदेव स्वरूपम रौं 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 रौद्ररूपं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम् हं 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 हंसयानं हपितकलहकं मुक्तयोगात्तहासकृतं हं हं नेत्ररूपं शिवमुक्तजगाबन्धमन्धात्रहृदयकृतं हं 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 तारनादं विदशलकलकं भावतत्त्वापहारं सततम् भैरवं क्षेत्रपालम् Epitomizing the myths and legends on the top of the Vindhyagiri Hill stands the most astounding statue of Bahubali. Virtual landscape, spreading the message of compassion and love, the very pillars of Jainism. The diverse landscape of India holds many secrets, some secrets so tall that in fact, they are the world's tallest monolithic statue that is. बनाया गया था, जिसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। कि इस मंदिर का निर्माण 876 ईस्वी में गुर्जर पटेल भी प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि इस मंदिर में लगे शिलालेख पर दुनिया में सर्वप्रथम शून्य का अंकन किया गया था। पुरातत्व वैज्ञानिकों और गणितज्ञों का मानना है कि जीरो के आविष्कार के बाद संभवतः ये सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित प्रमाण है। जीरो की खोज ग्वालियर में हुई थी, इस बात की पुष्टि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सन 1903 से 1904 की रिपोर्ट में पेश की है।